हमें जो 75 साल के आज़ादी में जो जो परिवर्तन आए, वो परिवर्तन के बारे में आज हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी है उससे हमें ये महसूस हो रहा है कि ये जो परिवर्तन हुए, वैचारिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए, लेकिन आज के परिस्थिति का जो दर्जा है उस परिस्थिति में जो हमारी पारतंत्रता, हम पारतंत्रता से स्वतंत्रता में आ गए, उस वक्त की हमारी देशभक्ति, देशनिष्ठा, वो आज हमारे में कर्तव्य में, हमारे कर्तृत्व में और हमारे विचारधारा में दिख नहीं रही। हमारा देश परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, उस संविधान के आधार पर, उसके बलबूते सारे देश की विचारधारा एक रखने में आज भी यशस्वी है, हमें उसका गर्व है। हमारा संविधान एक उच्चतम श्रेष्ठ ऐसी संस्कृति है और अच्छे संस्कार का एक प्रतीक है, हम हमेशा उसे नमन करेंगे। लेकिन जो वैचारिक और राजनीतिक बदलाव इस देश में आए, सभी लोगों ने देखा है। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, उसके बाद में जो राजीव गांधी जी, हमारे नरसिंह राव जी, चंद्रशेखर जी, गुजराल जी, वाजपेयी जी, और उसके बाद में जो मनमोहन सिंह साहब, और इसके बाद में आज यहाँ पर हमारे मोदी साहब जो प्रधानमंत्री है, जरूर 2014 तक जो बदलाव हम लोग ने देखे, पूरे देशवासियों ने देखे, उसमें 1975 में जो इमरजेंसी आई, उस इमरजेंसी के बाद इस देश में बड़ा बदलाव हुआ और आज उस बदलाव के बाद में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट इस देश में हो गया। लेकिन 2014 में जो ये विद्यमान प्रधानमंत्री का जो गवर्नमेंट आया, उसके बाद में जो यहाँ पर तरक्की के बदले जो लोगों को फंसाना और लोगों को वो जो बदलाव, लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल करना, ये लोगों के सामने आज दिख रहा है। उस वक्त बोला गया हर नागरिक को जो जरूरतमंद है उसके खाते में 15 लाख रुपए जमा होंगे, सत्ता हमें दीजिए, हमें सत्ता दीजिए, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, हमें सत्ता दीजिए, जो काला धन देश के बाहर गया है उसको दोबारा हम देश में लाएंगे। ये सब जो जुमले किए गए और सत्ता हासिल की गई, आज क्या हुआ है? आज किसी के खाते में 15 रुपए नहीं जमा हुए, उल्टा 15 लाख कठिनाइयां हर इंसान के पीछे है।
नौकरी तो है ही नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज है, आज वो कंपनियां सब बेच रहे हैं। काला धन आने के बदले देश में बड़े घपले हो रहे हैं। यह सब लोग देखकर तरस गए हैं। हम आज़ादी के परिवर्तन अगर इस तरह होंगे तो आज हम जिस आज़ादी में जी रहे हैं, हर कोई इंसान, हर कोई नागरिक अपने मन में एक डर लेके जी रहा है। क्यों? हमारे जो संविधान के साथ हमें जो संस्कृति और संस्कार मिले हैं, उसके वजह से आज तक हम लोग बचे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में और हमारा ये राजनीतिक जो हमारा संविधान में जो प्रावधान किया है, वो प्रावधान की वजह से हर 5 साल में जो परिवर्तन करने का अधिकार हमारे देशवासियों को जो है, उस परिवर्तन की तरफ सारी देश की जनता देख रही है। हम यही देखेंगे। अभी देखिए, कुछ छोटी मोटी बातें होती है तो हम जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं करते। अभी महंगाई आज कितनी बढ़ गई है, देखिए, पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, घर के चूल्हे के गैस के भाव, आज हम मतलब जीना मुश्किल हुआ है। इससे बचने के लिए हमें 2024 की राह देख रहे हैं ताकि हम इससे छुटकारा पाएंगे। इस तरह के बदलाव, जो जुमलेबाजी बदलाव, दोबारा देश में नहीं होना चाहिए। यही हमारा आज़ादी का सपना है। हम आज़ाद है, 75 साल की आज़ादी की सालगिरह हम यहाँ पर संपन्न हो रहे जा रहे हैं, जा वो कर रहे हैं। हम संपन्न होने जा रहे हैं, संपन्न हो गए। हाँ, 75वीं सालगिरह संपन्न हो गई। लेकिन इस तरह का जो हमें बदलाव दिख रहा है, वो दोबारा नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए हम इस 75 सालगिरह के वक्त पर हम सभी नागरिकों को ये नम्रतापूर्वक विनंती कर रहे हैं कि आप सच्चाई और ईमानदारी के राजनीतिक लोगों के साथ व्यवहार करें और जो लोग जुमलेबाज हैं उनको रोकने की पूरी कोशिश करें। ये हमारी विनती है। मैं सभी को हमारे आज़ादी के ये स्वतंत्रता दिवस का मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सभी लोगों को याद से मैं आज़ादी के 75वीं सालगिरह के अवसर पर सभी देशवासियों को नम्रतापूर्वक विनती करता हूँ कि जुमलेबाज लोगों से बचकर जो राजनीति में सच्चाई से, ईमानदारी से और देश के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों से व्यवहार रखे और अपने देश की जो आज़ादी है उसको हमेशा हमेशा के लिए हम बुलंद रखेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।